ट्रैफिक रूरल कश्मीर ने काजीकुंड के डिग्री कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में एसएसपी ट्रैफिक रूरल रविंदर पाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। एसएसपी ट्रैफिक रूरल ने युवा छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्हें जागरूकता की आवश्यकता और दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने में उनकी भूमिका के बारे में बताया। छात्रों से ईमानदारी से यातायात नियमों का पालन करने और दूसरों को भी इसका पालन करने के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया। उन्होंने मुख्य तौर पर दुर्घटनाओं का कारण के बारे में बात की, जैसे ओवर स्पीडिंग, शराब पीकर गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना आदि ट्रैफिक नियमों का गंभीर उल्लंघन है। पीने के पानी की कमी के कारण बांदीपुरा जिले के नजन क्षेत्र के लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के लोगों ने कहा कि कुआं खराब होने से हम लोग काफी समय से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और हमें पीने का पानी नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हमें कई तरह की समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों द्वारा स्थानीय प्रशासन से समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने की गुहार लगाई गई है। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं और मंदिरों को लेकर अब चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है। मंदिरों की रक्षा न करने के मामले में अब एसआईटी जांच करेगी। जम्मू कश्मीर पीस फोरम द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूतों के आधार पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर में मंदिरों की संपत्तियों पर अवैध पट्टे और अवैध उपयोग के लिए गई जमीन को एसआईटी द्वारा जांच के आदेश दे दिए हैं। जिला रामबन में लगभग डेढ़ महीने के बाद ग्रिफ ने दुस्सर संगलधान में 500 मीटर क्षतिग्रस्त स्ट्रेच का पुनर्निर्माण किया, जिसके परिणाम स्वरूप उस पर लाइट मोटर व्हीकल के लिए आवाजाही बहाल कर दी गई है। इस मार्ग पर रामबन जिला मुख्यालय और गूल तहसील के बीच वाहनों की आवाजाही को शुरू कर दिया गया। पिछले 19 फरवरी से भूस्खलन के कारण सड़क धस गई थी, वह यहाँ 16 घरों को भी नुकसान पहुंचा था। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिला पुंछ में शिक्षा विभाग द्वारा बाइक तिरंगा रैली यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में शिक्षकों ने भाग लिया। इस बाइक तिरंगा रैली को डीसी पुंछ इंद्रजीत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बाइक रैली शहर से लेकर गांव तक लोगों को जागरूक कर एजुकेशन विभाग की तरफ से दी जा रही स्कीमों के बारे में बताया जा रहा है। वहीं आम जनता को जागरूक किया जा रहा है कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिल करवाएं और सरकारी स्कीमों का फायदा उठाएं। जम्मू कश्मीर पुलिस पुंछ द्वारा मेंढर में आयोजित 2 दिवसीय ग्रामीण खेल मेले का समापन हो गया। इस अवसर पर सिविल सोसाइटी के लोगों व स्थानीय युवाओं ने खेलों में भाग लिया। वहीं डिग्री कॉलेज मेंढर के छात्र व छात्राओं ने भी इस ग्रामीण मेले में भाग लिया। वहीं एसडीपीओ मेंढर शिजान भट्ट ने कहा कि ग्रामीण एथलीट मेले का मुख्य उद्देश्य स्थानीय युवाओं को शारीरिक गतिविधियों में शामिल करना और नशे जैसी बीमारी से दूर रखना है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पहली मौत हुई है। इस बीच कोरोना के 58 नए मामले सामने आए हैं, जिससे सक्रिय मामलों का आंकड़ा बढ़कर 238 हो गया है। जम्मू और श्रीनगर में कोविड संक्रमण बढ़ रहा है। श्रीनगर में 14 और जम्मू में 12 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं देश भर में कोरोना के 6000 से ज्यादा मामले सामने आए। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी को देखते हुए केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस दौरान मंडाविया ने सभी से सतर्क रहने को कहा। उन्होंने कहा कि डरने की जरूरत नहीं, हमें भ्रम से बचना होगा, कोरोना की जांच और जीनोम सीक्वेंस बढ़ानी होगी। इससे पहले देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5000 से ज्यादा लोग संक्रमित मिले हैं। इससे पहले गुरुवार को कोरोना से 5000 से ज्यादा केस आए थे, जो 6 महीने में सबसे अधिक है।